अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया उन्होंने, अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया, तो अफगानिस्तान ने भी बना कर, तो इन अब और भी करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया में पिटन पड़ चुका है और पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग, फिर बांग्लादेश उनके साथ चलेगा, तो ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है। लेकिन जो जो मिलके टीमें जिन्होंने खेलनी है चैंपियन ट्रॉफी, हर कोई पाकिस्तान को घंटे की तरह बजा के जा रहा है कि भाई नहीं आना नहीं आना, क्यों नहीं आना? इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहां क्रिकेट नहीं होती वहां स्टेडियम बना के खेल लो, तो ड्रॉप इन पिचेस पे लाके खेल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे साथ खेल लो। देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। के रोजाना धमाके हो रहे हैं, कल भी बनू में धमाका हुआ था, आज हुआ, कल उसमें 8 लोग मारे गए, फिर उसके अलावा अगर आप देख ले बलूचिस्तान में तो कोई है, हेलो कोई है कि जो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो? दिस इज नॉट अ ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान, यू आर बेसिकली मेसिंग विद द इमेज ऑफ पाकिस्तान, दिस इज नॉट बेरेबल टू एनी पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, तो आपने देखा क्लिप में किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में हलचल चल रही है, पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि जैसे ही इंडिया ने जो बीसीसीआई है बीसीएसआई ने मना किया है जाने के लिए, वो तो काफी पुरानी न्यूज हो गई है, उसके बाद में जैसे एक एक करके सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो है वो मना कर रहे हैं जाने के लिए पाकिस्तान में जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिक्योरिटी रीजंस। तो ये सारी जो चीजें हैं, सिक्योरिटी तो काफी अहम होती है हर किसी के लिए, और जिस तरीके से हालात पाकिस्तान में आज दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वो हमेशा ही रहते हैं, पिछले कुछ समय से शांति थी, लेकिन फिर भी छुटमुट छोटी मोटी घटनाएं जो वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होते रहती हैं वो तो हो ही रही हैं, और उसी के हिसाब से काफ़ी सारे क्रिकेट बोर्ड हैं जिन्हें अपने प्लेयर्स के जो सिक्योरिटी के इश्यूज लगते थे वो भी धीरे धीरे मना कर रहे हैं। सबसे पहले जब बीसीसीआई ने मना किया था पाकिस्तान जाने के लिए, उस समय पाकिस्तानी जो मीडिया थी, पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड और वहाँ के जो पूर्व क्रिकेटर थे, उनको इतनी भयानक मुंची लगी थी कि उन्होंने आज मतलब मीडिया में आके अनशन बयान देना शुरू कर दिए थे। कोई तो ये भी कह रहा था अगर पाकिस्तान में भारत अगर जाके खेलता नहीं है तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में इंडिया में नहीं आएगा, और इस तरीके की मतलब कुछ भी उलझुल बात है जो उनको मतलब शोभा भी नहीं देती और शायद उनके औकात के बाहर भी, हम ऐसे स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया था। हालांकि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान में हुए हैं, उस वजह से हर क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि उनके खिलाड़ी वहां पे सेफ नहीं है, पहले भारत, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, उसने अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी शायद मन मन अपना जो है बना लिया है, और वो अब नहीं लगता कि वो पाकिस्तान जाके खेलेंगे। और इसी सब सीनियर में ये भी चीजें समझ में आ जाती है कि अभी शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल फरवरी में होने वाली है वहां पे शायद ही कोई टीम जाने के लिए तैयार हो, और इसी वजह से जो है जो आईसीसी जो है शायद ये निर्णय ले सकती है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो फरवरी में होने वाली थी पाकिस्तान में उसका वेन्यू चेंज कर दिया जाए या फिर उसे हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट किया जाए, जहां में कुछ मैचेस जो है पाकिस्तान में हो और कुछ मैचेस जो है वो कई और दूसरी कंट्रीज में जा, जैसे श्रीलंका या फिर यूएई कहीं भी और ऐसे हो सकती है। ये बातें सुनकर पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी मीडिया, खासकर पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर है, उनका तो मानसिक संतुलन जैसे बिगड़े समान ही लग रहा है, और पाकिस्तानी बोर्ड तो पागल हो गया है, वो कुछ भी जुलूस स्टेटमेंट दे रहा है, वो कहता है कि भारत आगे आके हमें भारतीय गवर्नमेंट हमें कुछ लेटर दे या फिर रिटर्न में दे बीसीसीआई कि हमारा सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने मना किया वहां जाने के लिए। हालांकि पाकिस्तान इतनी बड़ी चीज नहीं है जहां पे हमारी भारतीय गवर्नमेंट जो है, भारतीय सरकार जो है, वो उनको रिप्लाई, इस तरीके से सारी बातें मीडिया में चल रही है। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं और कैसे क्या पाकिस्तानी लोग कमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो भी आपको लगता है, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी आपके ओपिनियंस है, वो प्लीज हमें कमेंट में बताने की कोशिश करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पाकिस्तानी मीडिया में पिटन पड़ चुका है और पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग, इस वक्त बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने ऐसी हैं, प्रोग्राम्स किए गए हैं जिसमें सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा खबर चल रही है, यूट्यूब चैनल्स पर भी ये खबर आ रही है, और लोग इसके ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि पहले इंडिया ने इनकार किया पाकिस्तान आने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने से, और उसके बाद अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया पाकिस्तान जाने के लिए, और अब ऑस्ट्रेलिया भी यही कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी यही खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहा, और अफगानिस्तान तो पहले ही कह चुका है, और इसके साथ बांग्लादेश भी पाकिस्तान खेलने जाने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई है, हेलो कोई है कि जो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? कोई टीम है जो कह रही है कि हाँ हम पाकिस्तान जाएंगे और खेलेंगे? तो ये जो है ये पिटन पड़ चुका है, फुल टाइम पिटन पड़ा हुआ इस वक्त, और जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि पता नहीं अब उनको खबरें कहाँ से मिल रही हैं। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया है
उसकी खबर जब मैं देख रही थी तो वार्नर के मुताबिक ये कहा गया कि उनकी टीम ने, उनके जो बोर्ड है, उन्होंने ये कहा कि वो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान के लिए जो टीम खेलने के लिए जाए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वो उसके अंदर खेलने ना जाए। लेकिन अब बात ये की जा रही है कि ये चार कंट्रीज जो है ये तो तैयार नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और इसी के अंदर एक और बात यह है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो अब यूएई शिफ्ट हो रही जा रही है। अब यूएई शिफ्ट क्यों होने जा रही है कि इसके अंदर एक तो ये कि अगर कंट्रीज ये कह रहे हैं कि वो खेलने के लिए नहीं जा रहे पाकिस्तान तो फिर कहां पे होगी, जाहिर है कि जो तीन चार वेन्यू थे उन्हीं में से किसी पर होगी। तो उसमें से यूएई कहा जा रहा है कि अब यूएई के बारे में ही ये अब फैसला हो रहा है कि वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होने के जो इम्कान थे वो बहुत कम हो गए, बहुत कम चांसेस हो चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। देखिए वैसे तो कुछ मैचेस तो पाकिस्तान में होंगे कि वो भी नहीं होंगे, कुछ मैचेस भी नहीं होंगे क्या पाकिस्तान में? होता है ना कि जैसे पहले हाइब्रिड एक तरीका ढूंढा गया और उसके अंदर ये हुआ कि जब इंडियन टीम ने इनकार कर दिया और टीम्स ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया तो फिर कहा कि चले इधर करवा लेते हैं उधर करवा लेते हैं, तो कुछ मैचेस किसी कंट्री में रखे गए कुछ मैचेस किसी कंट्री में रखे गए। तो क्या ये वाला हाइब्रिड तरीका ही इस दफा भी अब ढूंढा जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं? अब सवाल ये पैदा हो गया। तो देखिए इसके अंदर जो अभी हमला हुआ है बन्नू में उसके लिए बहुत ज्यादा बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जिसमें कि अल जजीरा से लेकर जितना इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया भी पाकिस्तान का वो सब इस हमले पर बात कर रहे हैं जिसमें एटलीस्ट 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड इन मिलिट्री बेस खुदकुश अटैक। और इसके अंदर कहा यह गया है दी हाफिज गुल बहादुर आर्म्ड ग्रुप जो है वो जो ऑपरेट्स करता है आउट ऑफ अफगानिस्तान क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस अटैक। अब ये अल जजीरा की खबर मैं आपको बता रही हूँ। तो अब चल ही रहा है कि ये कंट्रीज देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े हमले बन्नू में जो ये इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें कि 8-10 जो है वो सोल्जर्स और फिर दूसरी तरफ से जो दहशतगर्द हैं वो भी इतने ही कहे जा रहे हैं। तो इन हमलों के बाद कोई कैसे जाएगा खेलने के लिए वहां पर? तो इसके ऊपर मैं देख रही थी कि कुछ लोग भी बात करें, आपको पता ही मतलब ये देख लें ये जो क्रिकेट पे बात करते हैं उमर हैं पाकिस्तान के और भी कुछ लोग हैं, मैं आपको बताई देती हूँ पॉलिटिक्स कम है और एक के बाद एक जो है वो पाकिस्तान टीमों को जो है वो अपने अपनी बातों में लगाकर जो है वो आप जो है वो पाकिस्तान से दूर लेकर। अब मसला पता क्या है, ये कहा क्या जा रहा है कि जनाब क्योंकि पहले इंडिया ने इनकार किया पाकिस्तान जाने के लिए और उसने इंडिया ने कहा कि नहीं जी पाकिस्तान जो है वो खेलने के लिए नहीं जा सकते हम, तो इंडिया के पीछे लगकर जो है अफगानिस्तान ने भी इनकार कर दिया क्योंकि अफगानिस्तान तो आपको पता ही है कि वो तो गूढ़ियां चल रही हैं, यानी अफगानिस्तान और इंडिया जो है बड़े क्लोज इस वक्त जा रहे हैं, बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं और वो बड़ी अफगानिस्तान के लोग और वहां के जो हुकूमत है वो एक तो बड़ी क्लोज है इंडिया से, दूसरा ये कि अफगानी लोग इंडियन से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो मिलके टीमें जिन्होंने खेलनी है चैंपियन ट्रॉफी, हर कोई पाकिस्तान को घंटे की तरह बजा के जा रहा है कि भाई नहीं आना नहीं आना, क्यों नहीं आना? असल में जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है, माशी हालात अगर हम देख ले, सियासी हालात अगर हम देख ले, फिर सबसे बढ़ के रोजाना धमाके हो रहे हैं। कल भी बन्नू में धमाका हुआ था, आज हुआ, कल उसमें 8 लोग मारे गए। फिर उसके अलावा अगर आप देख ले बलूचिस्तान में 3 दिन पहले हज़ारों लोग निकले थे एहतजाज कर रहे थे। इस तरह के हालात में अगर हम देख ले हेज़ पाकिस्तानी हर एक कोशिश करता है कि यहाँ से भाग के चला जाए, तो बाहर से तो कोई भी कभी भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भाग के चले जाए। पाकिस्तानी पिछले अगर 8-10 महीनों में आप देख ले तो 8 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी नौजवान जिनके पास स्किल्स थे वो यहाँ से चले गए, सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है।